गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के बेरोजगारी दिवस मनाने को लेकर कहा कि कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिसने 15 महीने की सरकार में एक भी रोजगार पैदा नहीं किए, किसी एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया, तो बेरोजगार दिवस तो मनाएगी ही। उन्होंने कहा कांग्रेस की नीतियां किसान की विरोधी रही हैं, जिससे बहुत से किसानों ने आत्महत्या की। केंद्र किसानों के हित में कार्य कर रही है। उन्होंने उपचुनाव में प्रत्याशियों को लेकर एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के पास लोगों की कमी है, इसलिए वे बाहर से प्रत्याशी ला रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में प्रत्याशियों का टोटा है, इसलिए वे प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी आयाते थे और जो आ रहे हैं उनकी भी स्थिति कांग्रेस जैसी हो जाएगी। कमलनाथ के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि कमलनाथ दौरे पर आ रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन जब मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं आए। उन्होंने बेरोजगारी को लेकर कहा कि कमलनाथ ने 15 महीने में एक भी रोजगार नहीं दिया, इसलिए कांग्रेस बेरोजगार दिवस मना रही है। देश में पहली कमलनाथ की ऐसी सरकार थी जिसने अपने 15 महीने में एक भी वैकेंसी नहीं निकाली। कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोलने का कार्य किया है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र के वादों को ही नहीं निभाया। कांग्रेस को किसान विरोधी बताते हुए नरोत्तम मिश्रा ने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कांग्रेस की नीतियों की वजह से किसानों ने आत्महत्या की। देखो कांग्रेस में दरअसल में व्यक्तियों का टोटा है। वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस के पास अब कोई बचा नहीं है, इसलिए प्रत्याशी ढूंढ रही है। वो जो पिछली सूची आई है आप उसमें भी देख लो, बिल्कुल यहां से बमोरी से कन्हैया लाल जी से लेके हमारे वहां तक बांडेर और ग्वालियर तक सब आयातित लोग ही हैं। जैसी कांग्रेस की स्थिति है वैसी इन आने वालों की स्थिति है। अच्छा है, स्वागत है, आए, चुनाव है, आते हैं, आना चाहिए, लेकिन जब मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं आए ये भी बताना चाहिए। हमारे सवाल का वो कभी जवाब दे नहीं पाएंगे क्योंकि हम सत्य बात पूछते हैं और वो कांग्रेस कभी सत्य बोलती नहीं है। देखो ये जो कांग्रेस कर रही है ये डर्टी पॉलिटिक्स है। एक सादा गांव के वातावरण से आई हुई महिला है इमरती देवी जी, और इसलिए वो इस तरह के बयानों को लेती रहती है, कांग्रेस पकड़ती है, ये डर्टी पॉलिटिक्स कहलाती है। उनकी सादगी का इस तरह से नहीं लेना चाहिए। राजनीति करना है तो सीधे सीधे करें। किस तरह की राजनीति कर रही है, एक अनुसूचित जाति की महिला है वो, सच बात है। एक बात नहीं, मैं कई बार दिनों से देख रहा हूँ, कर तो सच काम रहे हैं वो। एक भी रोजगार नहीं दिया तो बेरोजगारी दिवस तो मनाएंगे ही ना 15 महीने में। एकमात्र ऐसी पार्टी हिंदुस्तान की है जिसने 15 महीने राज किया और एक भी सरकारी वैकेंसी नहीं निकाली। इस देश में और कोई दूसरी नजीर नहीं मिलेगी मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के अलावा। एक भी बेरोजगारी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया और घोषणा पत्र में डाल दिया। लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी, बेरोजगारों को धोखा देने वाली पार्टी, किसानों को धोखा देने वाली पार्टी कांग्रेस। अब स्वाभाविक रूप से ये तो बोलेंगे कमलनाथ जी भी, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में किसानों के हित के लिए कभी कुछ किया नहीं। ये विधेयक किसानों के हित का विधेयक है, किसानों के हित में लाया गया एक ठोस कदम है जो माननीय मोदी जी ने लाया है। और इसलिए कांग्रेस के टाइम में तो आप देखिए पूरे देश के किसानों को आत्महत्या को मजबूर इसलिए होना पड़ा कि इनने नीतियां इस तरह की बनाई जो किसान विरोधी थी, और ये विधेयक किसान हितैषी है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।